हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। देसी स्वादिष्ट खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दम आलू की रेसिपी। ये दम आलू पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ या फिर चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। दम आलू बनाने के लिए हमें बॉयल्ड आलू लेना है। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज बॉयल्ड आलू ले लिया है। गैस पर कढ़ाई चढ़ा के हम ले लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, हम डालेंगे 3 से 4 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता को 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि तेज़पत्ता का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। ना हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज अनियन। अनियन को हम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि अनियन अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई हो जाए। देखिए अनियन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। नाउ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे लो मीडियम फ्लेम में। जिंजर गार्लिक को भुने हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। नाउ हम ऐड करेंगे टमाटर 2 मीडियम साइज। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करके हम इसको कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट के बाद टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। नाउ हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, एकदम हल्की सी यानी कि 1/2 टी स्पून जितना गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। सारे पाउडर मसाले को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट के बाद देखिए हमारे मसाले का कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है। हमारे बॉइल्ड पटाटो को ऐड कर देंगे। बॉइल्ड आलू को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए ताकि मसाला का जो फ्लेवर है वो आलू में आ जाए। 2 मिनट हो गया है, हम कवर खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप जितना बॉइल्ड आलू का जो बचा हुआ पानी था वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्टेज पे गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 कप जितना। 2 मिनट के बाद देखिए हमारे दम आलू जो है वो बन के रेडी है एकदम सर्व करने के लिए। इसको हम एक बॉल पे निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे सम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। देखिए हमारी टेस्टी मज़ेदार दम आलू जो है वो बनके तैयार है। अब देख सकते हैं दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।